हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी है और मैं आपकी एंथ्रोपोलॉजी के लिए मेंटोर हूँ। आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी लेने के बाद या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के वक्त किस तरह के चैलेंजेस एक एस्पिरेंट फेस करता है और उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट डायलेमा दैट एन एस्पिरेंट फेसेस, कि कौन सा ऑप्शनल चूज करना है। आफ्टर क्रॉसिंग दैट डायलेमा, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज कर लिया है, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन होगा माइंड में कि कोचिंग लेनी है या सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है या मुझे सेल्फ स्टडी करना है, राइट। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने डिसाइड किया है कि कोचिंग लेनी है तो कौन सी लेनी है, क्योंकि मार्केट में किस तरह है कि कोई एक फैकल्टी सोशो कल्चरल में अच्छा है तो कोई ट्रैवल में अच्छा है, कोई फिजिकल में अच्छा है तो कोई आर्कियोलॉजिकल में अच्छा है, राइट। तो उसके बाद में अगर आप कोचिंग स्किप करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी को इवैल्यूएट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो उसके बाद में अगेन टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी चाहिए, पेपर टाइम पे इवैल्यूएट होता है नहीं होता है, उस तरह के आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू चक बोथ ऑफ देम एंड स्टार्ट फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है, इन ईदर ऑफ द केसेस आल्सो यू विल हैव टू सेल्फ स्टडी अल्टीमेटली। अगर आपने कोचिंग भी लिया है तो डस नॉट मीन कि आप बिना पढ़े जाएंगे, सेल्फ स्टडी के लिए बैठना पड़ता है। एंड अगर आप अल्टीमेटली डायरेक्टली सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं तो आपको लाइक यू विल हैव टू वर्क अपॉन हाउ व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू नीड, क्योंकि अगर आप टॉपर्स के भी लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें मल्टीपल सोर्सेस उन्होंने लिखे होते हैं, और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट या दो साल में ये एग्जाम क्लियर करना है तो आप इतने सारे मल्टीपल सोर्सेस कवर टू कवर पढ़ के नहीं क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक किस बुक से पढ़ने हैं, ठीक है, किस बुक को डिच करना है, इस तरह का आपको एक प्लान पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मैं किस बुक से पढ़ूंगा। और ये तो सिर्फ वो बुक पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा, सो यू कैनॉट अफोर्ड टू स्पेंड दैट। आई ऑलवेज से कि आपको अगर एंथ्रोपोलॉजी लेना है तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू वॉन्ट टू स्टडी फॉर दिस टू बिकम लाइक यू वॉन्ट टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना है तो दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, राइट, क्योंकि आप ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपने एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल चूज किया है, सो ऑलवेज हैव दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। उसके बाद में सोर्सेज को अगर हमने डिफाइन कर लिया और हम बैठ भी गए, उसके बाद में अपना लाइक सोर्सेज में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीपल से एम्बर एंड एम्बर पढ़ना है, आर यू किडिंग मी, लाइक हाउ कैन यू रीड 600 पेजेस बुक एंड रिटेन इट, ओके, दैट डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आपको यू हैव टू बी स्मार्ट, उस बुक में से क्या पढ़ना है, उसके बाद में लाइक आई वुड नॉट से स्किप सच इंपॉर्टेंट बुक्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए आई रिकमेंड कि ये एक एकेडमिक पर्पज से आपको पढ़ना है तो आप एकेडमिक बुक्स ही पढ़िए, जैसे तेलुगु एकेडमिक बुक है, उसमें यू विल हैव इनफ मटीरियल टू राइट आंसर। और आंसर भी अगर आप क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देखिए तो इट विल बी अ 10 मार्कर, 15 मार्कर और 20 मार्कर एट मैक्स। तो 20 मार्कर के लिए चार पेज भरने होते हैं, आपको चार पेज के नोट्स हर टॉपिक पे अगर आप बना के रखो, दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग यू विल डू टू योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ। एंड पीपल कीप ऑन आस्किंग कि आपको टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, आई वुड से द क्वेश्चन हैज टू बी चेंज, यू हैव टू थिंक कि मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर आपके नोट्स अच्छे बन गए तो आप किसी भी तरह का आंसर तो लिख ही पाओगे, राइट। सो ऑलवेज फोकस ऑन नोट मेकिंग। तो आफ्टर सेल्फ स्टडी, उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेज आता है नोट मेकिंग का, राइट। तो नोट मेकिंग में भी आप फर्स्ट, इट इज लाइक फर्स्ट टाइम रीड करके नोट्स बनाओगे तो सारी की सारी कॉपी आप यू नो यू विल रेप्लिकेट इट। सो ऑलवेज हैव अ गुड रीडिंग ऑफ योर नोट्स वंस और ट्वाइस एंड देन स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, राइट। उसके बाद में नोट बनाने के बाद में आपको लाइक यू विल हैव टू, नाउ यू विल नॉट ऑब्वियसली राइट नोट्स इन योर फाइनल कॉपी, राइट, यू हैव टू मेक आंसर फॉर्मेट में आपको वो बनाने होते हैं। आंसर राइटिंग का एक साइंस होता है, ओके, स्पेशली इन एंथ्रोपोलॉजी यू विल हैव टू मेंशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम एटसेट्रा। सो उस तरह का साइंस ऑफ आंसर राइटिंग वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जस्ट मेकिंग नोट्स विल नॉट सफाइस, अगर आप उसको रेप्लीकेट ही नहीं कर पाए उन लिमिटेड वर्ड्स में। उसके बाद में आपने सारे नोट्स बना लिए, उसके बाद में दिस विल बी अ बेसिक स्केलेटन फॉर योर थिंग, और आई कॉल इट द केक, ओके। उसके ऊपर आपको आइसिंग करनी पड़ेगी टू लुक लाइक टू मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल। तो उसके लिए आपको आएंगे वैल्यू एडिशंस, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एटसेट्रा। सो उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पीपल विल टेल कि आपको ये मैगजीन पढ़नी है, दैट डज नॉट मीन आपको कवर टू कवर पढ़नी है, या फिर मैं भी भारत, इफ यू लाइक लुक एट द प्ले लिस्ट ऑफ मैं भी भारत, कम से कम 25+ वीडियोज हैं, सो यू ऑब्वियसली यू कैनॉट रिटेन इट, सो यू हैव टू प्लान इट दैट वे। तो इस तरह का, सो वी एट सारथी आर इंटेंडिंग टू क्रिएट अ फॉर्मल काइंड ऑफ अ सोशल ग्रुप, स्टडी ग्रुप, जहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की एक मेंटोरशिप हम प्रोवाइड कर पाएं। तो इस तरह का हमारा प्लान है, ये सारे चैलेंजेस को हम
कवर करने की एक मेंटोरशिप की कोशिश करेंगे एंड हम आपके कदम कदम पे वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू योर एंथ्रोपोलॉजी जर्नी राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन पॉइंट दैट आई वुड कंक्लूड लाइक टू कंक्लूड विद कि आपको यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं बनना है, आपको एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपने ये ऑप्शनल लिया है तो उसी में मतलब आपको 500 मार्क्स के लिए आपको ये पढ़ना है ठीक है. और एट द मैक्स 362 वॉज द हाइएस्ट तो उतना 360 आपका एक टारगेट रख के आपको पढ़ना चाहिए, इसी हिसाब से आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहिए. विद अनदर टॉपिक आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. बाय.